हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था। तो एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर एसएल एंड टारगेट कैसे लगाए, तो वो बताइए। तो अभी हम वही बताएंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारे लोगों को एसएल एंड टारगेट लगाना नहीं आता है, तो वही बताएंगे। चलो हम आपको एक सिंपल बता देते हैं करके कैसे क्या करना है। मान के चलो आपको फिन बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी बाय करना है। चलो हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, रुको 2 मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो बैंक निफ्टी में कॉल के साइड अच्छा मोमेंटम दिख रहा है हमें, तो बैंक निफ्टी में हम कॉल के साइड एक ट्रेड देते हैं 2 मिनट। चलो 44600 का हम एक ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में कॉल के लिए। 44600 सी, देखो अभी ये हमने ऐड कर लिया, इसमें एंटर बाय। चलो ये हम बाय करके आपको बताते हैं, मार्केट में बाय कर रहा हूँ मैं, एंड आपको एसएल एंड टारगेट दोनों लगाना बताऊंगा। चलो हम 120 क्वांटिटीज़ में करते हैं। ओके, तो ये 120 क्वांटिटीज़ में हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली अपने पोजीशंस पे आ जाना है। फिर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ट्रेड जो ऑन गोइंग ट्रेड है, मैं इस पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको बाय किया था 233 पे, एंड अभी 229 चल रहा है। तो अभी इसमें एसएल कैसे लगाना है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है, एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको एसएल पे क्लिक करना है। एसएल पे क्लिक करने के बाद मान के चलो मेरे को 220 का एसएल लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पर प्राइस में 220 कर देता हूँ, 220, और यहाँ पर भी मैं 220 कर देता हूँ। ये मेरा एसएल लग जाएगा, देखो यहाँ से मेरा एसएल लग जाएगा मार्केट करके इस रुको एसएल करके हम इसको 220 कर लेता हूँ। रुको 2 मिनट, ये चेंज नहीं है, 220 कर ये मैं एसएल लगा देता हूँ। तो ये एसएल लग गया अपना। ओके, अभी ये एसएल लग गया। अभी प्राइस देखो 227 चल रहा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका एसएल कहाँ पे लगा। ये देखो टारगेट पेंडिंग, ट्रिगर प्रिंट पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही 220 आएगा वो एसएल ऑटोमेटिक हिट होके एग्जिट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको एसएल बताया था मैंने, तो देखो एक साथ दोनों नहीं लगता है, टारगेट और एसएल एक साथ नहीं लगता है। एक तो आप एसएल लगाओ या फिर एक तो आप टारगेट लगाओ, दोनों में से एक चीज़ लगाओ। तो देखो मैंने आपको एसएल लगा के बता दिया कि एसएल इस तरह से लगाया जाता है। तो सेकेंड आपको क्या करना है, अभी इसको हम एसएल को कट कैंसिल कर लेते हैं, फिर आपको टारगेट लगा के बताते हैं। देखो फिर से आपको टारगेट में एग्जिट के पास जाना है, और आपको लिमिट में इधर सिलेक्ट करना है, एंड लिमिट में मान के चलो आप, मेरा टारगेट है इसका 260 का टारगेट है, तो ये मैं 260 सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिमिट में आपको लगाना है, यहाँ पे आप देखो ये अभी ओवर, जैसा मेरा ओवरनाइट है तो मैं ओवरनाइट और लिमिट में मेरे को सेल करना है 260 पे, तो मैं इसको स्वाइप टू सेल कर देता हूँ। ये मेरा लग गया फिर से टारगेट। तो देखो आप इस तरह से कुछ टारगेट और एसएल लगा सकते हो, पर दोनों में से कुछ एक ही चीज़ लगा सकते हो। तो देखो मैंने आपको बता दिया, अभी देखो मेरा प्रॉफिट चल रहा है तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ फिलहाल। तो इस तरह से कुछ आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, और एग्जिट तो आपको पता ही होगा, सिंपली मार्केट में से आकर स्वाइप करना है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे ही कुछ दूसरी वीडियो चाहिए आपको कि GTT ऑर्डर कैसे लगाए या फिर बास्केट में ऑर्डर कैसे प्लेस करें, तो आप बता सकते हो, हम वो भी बता देंगे।